गाइज मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले बताना चाहूंगा कि कल मैंने जो प्रोडिक्शन डाला था वो यहाँ पे बिल्कुल गलत किया था एंड मेरा जो प्रोडिक्शन है अभी दो दिन से गलत जा रहा है। तो इस काफ़ी सारे लोग होते जो कि बहुत सारे पैसे यहाँ पे लगा देते हैं। मैं बता दूँ जो लोग यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा पैसे लगा के बोलेंगे कि भाई मैं यहाँ पे हार गया, तो मैं आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मत करो, सिंपली के 100 से 200 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करो तो सही है। और अगर आप लोग ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करोगे तो मैं यहाँ पे प्रोडिक्शन देना बंद कर रहा हूँ। एंड आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़्यादा पैसे का मत खेलना, क्योंकि ये अच्छी भी है गलत भी है, क्योंकि इतना पैसा बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि ज़्यादा प्रोडिक्शन में पैसा बिल्कुल मत लगाना। तो गैस आज हम बात करने वाले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से दो बड़ी न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है। तो गैस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले, तो गैस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ एंड तक आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लेकिन गैस मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगी उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले बताना चाहूंगा फैंटेसी पावर 11 एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन में कॉन्टेस्ट चल रही है जिसमें गाइस आप लोग डेली के डेली एक आईफोन 11 प्रो जीत सकते हैं। और गाइस अगर आप लोग इस एप्लीकेशन को मेरे रेफरल कोड से यूज करते हो तो गाइस आपको मिलेगा 100 रुपीज का बोनस, और उस बोनस को गाइस आप लोग यहाँ पे 100% यूज कर सकते हैं। तो सिंपली गाइस आपको मैचेस में क्लिक करना है, जैसे मैचेस में क्लिक करेंगे तो गाइस आपको 20 रुपए का कॉन्टेस्ट शो होगा, तो सिंपली 100% बोनस को यूज कर सकते हो। और साइड में आपको दिख रहा होगा आईफोन 11 प्रो, तो सिंपली इसमें क्लिक करना है एंड आपके अकॉर्डिंग गाइस आपको सिंपली यहाँ पे प्लेइंग 11 बनाना है। तो सिंपली जाइए आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे देखने को। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहली न्यूज़ के बारे में। तो गाइस सबसे पहली न्यूज़ निकल कर आ रही है एबी डिविलियर्स की तरफ से। तो गाइस आपको जैसे कि पता है कि आरसीबी ने एक नया प्रोग्राम यहाँ पे जारी किया है जहाँ पे गाइस एक खिलाड़ी के साथ दूसरे खिलाड़ी रहेंगे एंड एक दूसरे के साथ वो बातचीत कर पाएंगे। और ऐसे में गाइस अभी देवदत्त पार्टिकल के साथ विराट कोहली थे एंड डेल स्टेन के साथ यहाँ पे नवदीप सैनी, और एबी डिविलियर्स के साथ थे गाइस यहाँ पे शिवम दुबे। तो गाइस एबी डिविलियर्स की तरफ से रिपोर्ट्स निकल कर आ रही कि एबी डिविलियर्स ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें गाइस उन्होंने ये कहा है कि शिवम दुबे को जिस तरीके से वो बोल रहे हैं करने के लिए वो बिल्कुल वो परफेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, और शिवम दुबे काफी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं एबी डिविलियर्स जैसे जैसे उनको बोल रहे हैं। एबी डिविलियर्स की तरफ से ये रिपोर्ट्स यहाँ पे सामने निकल कर आ रही है। तो गाइस अब हम बात करते हैं दूसरी न्यूज के बारे में। तो गाइस दूसरी न्यूज निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के क्रिस मॉरिस की तरफ से। तो गाइस क्रिस मॉरिस की तरफ से गाइस एक न्यूज निकल कर आ रही है, और ये न्यूज यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सभी फैंस को यहाँ पे खुशखबरी वाली न्यूज है, क्योंकि गाइस अभी क्रिस मॉरिस ऑलमोस्ट यहाँ पे फिट हो चुके हैं और गाइस यहाँ पे वो आप सभी को नेक्स्ट मुकाबले में देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ गाइस, नेक्स्ट मुकाबले में आप सभी को यहाँ पे क्रिस मॉरिस देखने को मिल सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं उनको प्लेइंग 11 में जगह मिलेगा या नहीं मैं इतना तो नहीं बता सकता, लेकिन गाइस यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए वो बिल्कुल नेक्स्ट मुकाबले में अवेलेबल रहेंगे क्रिस मॉरिस। अब गाइस उनको प्लेइंग 11 पे मौका मिलेगा या नहीं तो ये टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन अगर क्रिस मॉरिस प्लेइंग 11 में आते तो गाइस यहाँ पे मोइन अली की छुट्टी होगी और गाइस मोइन अली की जगह पे यहाँ पे क्रिस मॉरिस टीम में आएंगे। तो गाइस ये काफी अच्छी गुड न्यूज है सभी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैंस के लिए, क्योंकि क्रिस मॉरिस के ऊपर इतना ज्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है आरसीबी की टीम ने, और गाइस वो अब आप सभी को नजर आने वाले हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं तीसरी न्यूज के बारे में। तो गाइस तीसरी न्यूज निकल कर आ रही है देवदत्त पार्टिकल की तरफ से। तो गाइस देवदत्त पार्टिकल की तरफ से एक न्यूज निकल कर आ रही है कि देवदत्त पार्टिकल ने कल के नेट प्रैक्टिस में उन्होंने काफी अच्छा समय बिताया, और जहाँ पे गाइस उन्होंने यहाँ पे बड़े बड़े शॉट लगाने के प्रयास किया है। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है कि देवदत्त पार्टिकल काफी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनसे जितना एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं किया गया था उससे भी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे देवदत्त पार्टिकल, और आरसीबी के डेब्यू मैच में भी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो गाइस यहाँ पे देवदत्त पार्टिकल कल के नेट प्रैक्टिस में भी काफी अच्छे परफॉर्मेंस किए थे, और गाइस उन्होंने नवदीप सैनी उनको ज्यादातर कल यहाँ पे गेंद डाल रहे थे, क्योंकि नवदीप सैनी पिछले मुकाबले में उनको काफी ज्यादा मार पड़ा था इसलिए वो देवदत्त पार्टिकल को ज्यादा यहाँ पे गेंद डाल रहे थे, और देवदत्त पार्टिकल का भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था पिछले मुकाबले में, और देवदत्त पार्टिकल भी काफी टाइम तक उन्होंने बिताया नेट प्रैक्टिस में जहाँ पे गाइस उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो गाइस यहाँ पे देवदत्त पार्टिकल तो अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं एंड वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं नेट प्रैक्टिस में। आई होप कि जिस तरह से वो नेट प्रैक्टिस में कमाल कर रहे हैं उसी तरह से वो मैदान पे भी कमाल करे, और उन्होंने मैदान पे कमाल भी किया है, लेकिन एक दो मैच यहाँ पे मिस हो जाती है, हर मैच में खिलाड़ी परफॉर्म करेगा
जिसका कोई गारंटी नहीं है, कोई भी खिलाड़ी कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं, किसी का भी दिन हो सकता है, लेकिन देवदत्त पाटीकर काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस किया एंड सभी का कहना है कि ये खिलाड़ी बहुत आगे तक जाएगा क्योंकि इस खिलाड़ी का मेहनत देख के सभी बोल रहे हैं कि ये खिलाड़ी बहुत आगे तक यहाँ पे जाने वाला है। तो गाइस आपका इस बार में क्या ओपिनियन है देवदत्त पाटीकर को लेके, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना ओपिनियन आप लोग जरूर दीजिएगा। लेकिन देवदत्त पाटीकर की मेहनत को हमें दाद देना पड़ेगा क्योंकि ये खिलाड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं एंड नेट प्रैक्टिस में ये काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं एंड मैदान पर भी ये काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो गाइस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से तीन बड़ी न्यूज़ यहाँ पे सामने निकल कर आ रही थी। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो कीजिए लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।